एलब्रोमाइड का, और ये इसके अंदर डाला जाता है, पूरा सब कुछ इस पर डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गैस होती है एक तरीके की, और अब देखिए अभी आपको पता चलेगा ये कैसे इसके अंदर डाला जाता है। ये कंटेनर्स है, इसके अंदर जो इसको स्टफ किया जाएगा इस पाइप के। लीजिए भैया, अब ये देखिए किस तरीके से फ्यूमिगेशन होता है, ये अभी आपको लाइव दिखा रहे हैं कंटेनर कैसे फ्यूमिगेट किया जाता है। देखिए देखिए यहाँ से जो पाइप है इसके अंदर डाल दिया जाता है फ्यूमिगेशन का, बिल्कुल पैक्ड है, उसके अंदर से ये डाल दिया है पाइप। ठीक है, ये पाइप उसमें डाल दिया है। अब ये देखिए कैन का जो है गैस जो है उसके अंदर डाला जाएगा इस तरीके से। ये गैस इसके अंदर अब जाना चालू हो गई है, वो देखिए वाइब्रेट कर रहा है पाइप पूरा। देखिए ये मिथाइल ब्रोमाइड ये इस कंटेनर के अंदर ये फ्यूमिगेशन यहाँ पे कम्प्लीटली हो रहा है। कितने ml का भैया ये? दो सौ एम एल, 250 ml, कितने ml का? मतलब ये 200 ml का है, इसमें लिखा हुआ है कहीं? इधर लिखा हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो 200 ml का करीब ये रहता है, तो उसका ये फ्यूमिगेशन तरीके कर दिया है, तो कम्प्लीटली फ्यूमिगेशन हो गया है। बस अब कंटेनर को ओपन नहीं होगा, अब कंटेनर इसके बाद हेलो दोस्तों, तो अभी आपने देखा लाइव फ्यूमिगेशन फ्रॉम मुंद्रा पोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 7 डेज, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।